बढ़ती कीमतें जनता के आंसू निकाल रही। प्याज को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सत्ता से बाहर होने की तिथि बताए, क्योंकि सरकार से प्याज की कीमतें ही संभाली नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में कहते फिरते थे कि प्याज को रखने के लिए लॉकर खुलवाने पड़ेंगे और तत्कालीन यूपीए सरकार को सत्ता से रुखसत करने की बात करते थे, जबकि तब प्याज के दाम 50 रुपए से भी कम थे। अब प्याज 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ऐसे में मोदी बताएं कि प्याज के लिए लॉकर कब खुलवा रहे हैं और कब तक सत्ता छोड़ रहे हैं। बढ़ती कीमतों को लेकर जनता के आंसू निकाल रहे प्याज को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सत्ता से बाहर होने की तिथि बताए, क्योंकि सरकार से प्याज की कीमतें ही संभाली नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में कहते फिरते थे कि प्याज को रखने के लिए लॉकर खुलवाने पड़ेंगे और तत्कालीन यूपीए सरकार को सत्ता से रुखसत करने की बातें करते थे, जबकि तब प्याज के दाम 50 रुपए से भी कम थे और अब प्याज 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ऐसे में मोदी बताएं कि प्याज के लिए लॉकर कब खुलवा रहे हैं और कब तक सत्ता छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश ने बहुत कुछ दिया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य मुख्यमंत्री भी नहीं। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र राणा ने कहा कि गत 6 साल पहले कांग्रेस को सलाह देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कही बात पर कब अमल कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को नसीहत देने से पहले उस पर खुद भी अमल करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वे प्याज नहीं खाती, तो क्या उनकी देखा देखी जनता भी प्याज खाना छोड़ दे। क्या प्याज जो है आज मैं सवेरे मीडिया में देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 100 से 150 के बीच में पहुंचा। मोदी जी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनकी स्पीच मैंने अब देखी 2014 में जब वो स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे, तो इस पे तंज कस रहे थे कि कांग्रेस के राज में प्याज इतना महंगा हो गया है कि भाई प्याज को तो लॉकर में रखना पड़ेगा और कोई मेहमान आए तो उसको सेंट की तरह उसकी खुशबू जो है सिंगा दें। आज हम मोदी साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके राज में प्याज को कौन से लॉकर में रखें, कैसा लॉकर बनाएं, वो भी हमें सुझाव दे दो देश की जनता को, कौन से लॉकर में रखें उस प्याज को, कैसे लॉकर बनाएं। तो आज प्याज में आग लगी है, आज देश में कई उद्योग बंद हो गए गलत नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण। GST जो जिस तरीके से इन्होंने लागू की, नोटबंदी के असर अब दिखने लगे। आज तो मुझे हैरानी हो रही है कि आज हमारे देश में 4.5% जो है वो GDP का दावा किया जा रहा है, 4.5% रह गई। अब लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 4.2 आ गई है और पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि इसकी इकोनॉमी तबाह हो गई है उसकी 5.5% है, बांग्लादेश की 8% है, श्रीलंका की 7.5% है। तो मोदी साहब आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, देश को जो है आज पूरा डुबो दिया है, देश की इकोनॉमी तबाह हो गई है, लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, नए रोजगार मिल नहीं रहे और महंगाई से लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो कौन सी देशभक्ति जो है इस देश के साथ ये कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।